कैसे हो बेटा आप लोग? आज लोफ टोट का एक नया टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं, जिसका नाम है रेमेडीज इन टोट। रेमेडीज मतलब समाधान। आपको एक छोटे से एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, मान लो मैंने आपसे फीस ले ली कि मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, और उसके बाद मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाया नहीं, तो आप क्या कर सकते हो? आप कोर्ट में जाओगे, मेरे पे केस कर दोगे, और कोर्ट आपकी फीस मान लो आपको वापस दिलवा देता है। तो ये रेमेडी है, ये उपाय है, ये समाधान है। यानी जब किसी पर्सन के साथ कुछ गलत होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? रेमेडीज बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो टोट में क्या क्या रेमेडीज होंगी देखिए। जब हम लोग रेमेडीज की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ रेमेडीज को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है जुडिशियल रेमेडीज, एक है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। सर ये होती क्या है, अभी समझा रहा हूं, ये लो, बहुत ही आसान सा काम है। जुडिशियल रेमेडीज वो होती हैं जो कोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड बाय कोर्ट। यानी आप कोर्ट में गए, मान लो किसी ने कुछ गलत किया और आपने कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो जुडिशियल रेमेडीज होंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज कौन सी हैं जो कोर्ट्स के बाहर आपको मिलेंगी? कोर्ट के बाहर क्या मिलती है सर? कोई बाजार है बेटा, सेल्फ हेल्प। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, बैटरी। बैटरी ध्यान है आपको? बैटरी ध्यान है? अगर कोई पर्सन डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आपके ऊपर करता था तो उसे बैटरी कॉल करते थे। तो अगर कोई पर्सन डंडा लेके आपको मारने के लिए आए तो क्या आप खुद का बचाव कर सकते हो क्या? या पहले वो डंडा मारेगा, फिर तुम कोर्ट में जाओगे, इसे मेरा डंडा मारा जी और मेरा नुकसान भरवा दो, या पहले खुद का बचाव करोगे? सर खुद का बचाव करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है, ये खुद से होने वाली है, कोर्ट के बाहर होने वाली रेमेडीज हैं बच्चे। ये बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो मैंने आपका फोन छीन लिया, आपका फोन मैंने छीन लिया, तो पहले कोर्ट में जाओगे या पहले ये कोशिश करोगे खुद से ही मेरे से वापस ले लो आप? सर पहले कोशिश करेंगे खुद ही वापस मिल जाए, नहीं दोगे तो कोर्ट में जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब कोर्ट से एक्स्ट्रा, यानी जहां कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, खुद से ही काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जुडिशियल रेमेडीज बेटा कौन सी हैं जिसमें कोर्ट में जाना पड़ता है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल जिसमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, खुद से ही काम हो जाएगा। तो कौन कौन सी होती हैं जुडिशियल रेमेडीज, चलिए डिस्कस करते हैं। जुडिशियल रेमेडीज कौन सी हैं? प्रोवाइडेड बाय कोर्ट, प्रोवाइडेड बाय कोर्ट। देखिए, थ्री टाइप्स ऑफ जुडिशियल रेमेडीज आर अवेलेबल, ये नंबर याद रखना बेटा, थ्री टाइप की अवेलेबल हैं। ठीक है, नंबर वन डैमेजेस, नंबर टू इंजंक्शन, एंड नंबर थ्री स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या क्या होता है, मैं एक एक करके आपको सिखाते चलता हूं। सबसे पहले जब बात करते हैं डैमेजेस की, मान लो बैटरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बैटरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बंदे ने स्टिक से, डंडे से आपको मारा, आपने कोर्ट में केस कर दिया, और कोर्ट में जाके आपने बोला मेरे को 20,000 रुपए का कंपनसेशन दिलवाओ, मेरे इतने पैसे लग गए, मेरे चोट लग गई थी, मेरे 20,000 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, कोर्ट ने बोला ठीक है जी आपको मिल जाएंगे, लेकिन 20 नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 17,000 रुपये, क्योंकि जितना आप क्लेम करोगे कोर्ट उतना ही दिला दे, जरूरी थोड़ी है। तो ये जो 17,000 कोर्ट ने आपको दिलवाए, दिस इज कॉल्ड डैमेजेस। हो सकता है रियल में आपके 20 लग गए हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोर्ट आपको कितना पैसा दिलाए। हो सकता है आपके लगे 15, कोर्ट आपको 20 दिलवा दे। जो कोर्ट आपको दिलवाएगा उसे बोलेंगे डैमेजेस। ठीक है, अब ध्यान से समझ लेना, एक वर्ड अगर मैं लिखूं डैमेज और एक वर्ड मैं लिखूं डैमेजेस, दोनों अलग अलग होते हैं। डैमेज का मतलब आपका लॉस कितना हुआ, डैमेजेस का मतलब रिकवर कितना हो गया, लॉस वापस कितना पैसा मिल गया, दैट इज कॉल्ड सॉरी दैट इज कॉल्ड डैमेजेस। समझ पा रहे हो? तो पहला क्या होगा, जब आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट आपको कंपनसेशन दिलवा देता है, इसे हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं, डैमेजेस। ये पहली रेमेडी है। इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब होता है रोक लगाना,
इंजंक्शन का मतलब होता है रोक लगाना। एग्जाम्पल देखो, आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, डिफामेशन। डिफामेशन क्या होता है? निंदा करना, किसी के बारे में गलत गलत बोलना। तो मान लो मैंने एक मूवी बनाई, फिल्म बनाई, जिसके बारे में मैंने कुछ गलत गलत बोला हुआ है, उस पर्सन ने मेरे पे केस कर दिया, तो कोर्ट क्या कर सकता है? रोक लगा सकता है उस फिल्म के ऊपर या उस सीन के ऊपर, कि ये सीन आपको हटाना पड़ेगा, ये आप नहीं दिखा सकते हैं। तो ये इंजंक्शन हो गया, कोर्ट ने रोक लगा दी। इंजंक्शन का मतलब कोर्ट हमें किसी काम को करने से रोक देगा। डैमेजेस में क्या होगा? आपको कंपनसेशन मिलेगा। इंजंक्शन में क्या होगा? कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि ये काम नहीं कर सकते हो। इसको बोलते हैं इंजंक्शन। और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है? मान लो एक ये प्लाट है मेरा 500 गज का, ठीक है, 500 स्क्वेयर फीट का मेरा एक प्लाट है, एक जमीन का टुकड़ा पड़ा है। आप मान लो कोई नामी गुंडे हो, आपने मेरे प्लाट पे कब्जा कर लिया, मैंने कोर्ट में केस किया, और कोर्ट ने क्या ऑर्डर कर दिया कि मेरा प्लाट आप मुझे वापस दे दोगे। तो स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है वापिस करना, स्पेसिफिक जो आपने ली थी वही वाली चीज। तो जो चीज आपने मेरे से ले ली थी, कोर्ट आपको वही वापिस दिला देगा। तो इसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। समझ पा रहे हो मेरी बात को बेटा? तो कोर्ट में जाने से तीन तरीके के न्याय मिलेंगे आपको। पहला क्या हो सकता है? कोर्ट आपको डैमेजेस दिला सकता है, पैसे दिलवा सकता है, भी इसका नुकसान भरो इतना। दूसरा, कोर्ट क्या कर सकता है? जिस चीज से आपको परेशानी हो रही थी उस पर रोक लगवा सकता है, कि भाई इस पर रोक लगा दो, ये काम मत करो। और तीसरा, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज किसी ने ले ली थी, तो कोर्ट आपको वो वापस दिलवा सकता है। इसे क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। बताओ बेटा, समझ आया कि नहीं आया? कितनी टाइप की रेमेडी मिलती है बताओ कोर्ट से? सर, तीन टाइप की मिलती हैं। कौन सी होती है? जुडिशियल रेमेडी, सर, जो कोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो कोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, वो कौन सी होती है? सर, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल होती हैं। तो चलो उसी के बारे में बात करते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज क्या होती हैं? इन सर्टेन केसेस इट इज लॉफुल टू रिड्रेस वंस इंजरी बाय मीन ऑफ सेल्फ हेल्प। ये कह रहा है खुद से ही। रिड्रेस का मतलब समाधान करना। रिड्रेस का मतलब क्या है? समाधान करना, सॉल्यूशन करना। तो क्या कह रहा है? इन सर्टेन केसेस इट इज लॉफुल टू रिड्रेस वंस इंजरी बाय मीन्स ऑफ सेल्फ हेल्प। वंस इंजरी यानी खुद की इंजरी को, मीन का मतलब साधन, तरीका, खुद ही हम लोग सोल्व कर लें विदाउट रिकोर्स टू द कोर्ट, कोर्ट का सहारा लिए बिना। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल में क्या कह रहा है कि कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर यह कानूनी माना जाता है कि आप अपनी इंजरी का समाधान खुद से ही कर लें बिना कोर्ट में जाए हुए। तो बिना कोर्ट में जाए हुए जब आपने समाधान कर लिया, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। ठीक है जी? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर, कौन कौन सी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज होती हैं बता तो दो हमें। चलो जी सुन लो। सबसे पहले है सेल्फ डिफेंस, खुद की रक्षा करना। तो पहला पॉइंट क्या है? देखो, इट इज लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू यूज रीजनेबल फोर्स। टू यूज रीजनेबल फोर्स, इस पे ध्यान देना। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी लॉफुल यूज ऑफ फोर्स। मतलब क्या है कि मान लो मैंने आपके खिलाफ बैटरी करना है। बैटरी का मतलब क्या? डायरेक्ट यूज ऑफ फोर्स। ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, मैं आपकी तरफ आया कि मैं आपके मुंह पे एक मुक्का मारूंगा जोर से। तो मैं जैसे ही बैटरी करने वाला था, असोल्ट हो रहा था पहले, तो जब डर पैदा होता है, असोल्ट होता है, मुक्का लग जाएगा तो क्या होगा? बैटरी। तो क्या आप खुद का बचाव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप खुद का बचाव कर सकते हो ना? आप खुद का बचाव करने के लिए मुझे मार सकते हो या किसी भी तरीके से फोर्स का यूज कर सकते हो, है ना? तो ये क्या है? ये सेल्फ डिफेंस है। बताओ समझ आया कि नहीं आया? लेकिन क्या लिखा है? रीजनेबल फोर्स। मैं आपको मुक्का मारने आ रहा था, तो आप क्या कर सकते हो? मेरा हाथ पकड़ सकते हो, मुझे धक्का दे सकते हो। आपने क्या किया?
मैं जैसे मुक्का मारने के लिए आ रहा था, आपने तलवार निकाली, मेरा हाथ काट दिया, ले भाई। और जब कोर्ट में गए तो आपने बोला मैं तो जी सेल्फ डिफेंस कर रहा था, ये बंदा मेरे मुक्का मार देता मेरा, मैं तो मर जाता फिर ऐसे, तो इसलिए मैंने इसका हाथ काट दिया। भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते, ये रीजनेबल फोर्स नहीं है। सेल्फ डिफेंस का मतलब उतनी ही फोर्स यूज करो जितनी की जरूरी है। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपके थप्पड़ मारने वाला था, आपने हाथे काट दिया, भाई साहब ये अच्छी बात हुई, ये अलाउड नहीं है, तुम फंस जाओगे, हाथ काट दिया बंदे का भाई तूने, ठीक है ना। तो इट इज लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू यूज रीजनेबल फोर्स, याद रखना फोर्स कैसे होनी चाहिए, रीजनेबल। अब अलग अलग केस में अलग अलग हो सकती है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जैसे मान लो मैं आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक चाकू लेके छुरा लेके आपके पीछे पड़ गया, भाई साहब तेरे पेट में घुसड़ूंगा, अभी तेरे को मार दूंगा मैं ये, ठीक है। तो आपने एक डंडा उठा के मेरे सिर में मार दिया खुद को बचाने के लिए और मेरी वहां पे डेथ होगी, ये रीजनेबल फोर्स है। क्योंकि पहले वाले केस में तो मैं थप्पड़ या मुक्का मार रहा था, दूसरे वाले केस में मैं आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा था, बचाव में आप खुद को बचाने के लिए आपने मेरे पे सिर पे डंडा मारा और मैं मर गया, तो यहां आप बच जाओगे, ये सेल्फ डिफेंस का केस बन गया। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको ध्यान रखना है केस टू केस रीजनेबल फोर्स वेरी कर सकती है, समझे कि नहीं समझे। जैसे मान लो मैं आपको हल्का सा टच भी कर दूं तो ये बैटरी है, फोर्स का यूज किया तो आप क्या करोगे, गोली मार दोगे मेरे को, बंदूक निकाली और 6 गोलियां मेरे अंदर दाग दी आपने, तो ये रीजनेबल फोर्स नहीं है, सेल्फ डिफेंस नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई पर्सन आपको कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है, पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो कोर्ट में जाने की बजाय आप सेल्फ डिफेंस करें, खुद का बचाव करें, ये लॉफुल है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद क्या रखना है, फोर्स कैसा यूज करना है, रीजनेबल फोर्स यूज करना है। आप समझ पा रहे हो बेटा? इसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ ट्रेस पास। ट्रेस पास का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन आपकी किसी चीज पे कब्जा कर ले, अगर जैसे आपके जमीन है और मैं आ गया वहां पे, मैंने उस पे कब्जा कर लिया, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कौन हूं, मैं ट्रेस पासर हूं। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोक लगाना, ट्रेस पास का मतलब कोई आपकी चीज पे कब्जा कर रहा है। तो इसका मतलब अगर कोई पर्सन आपकी चीज पे कब्जा कर रहा है तो आप बिना कोर्ट में जाए उससे वो चीज छुड़वा सकते हो। तो क्या करे, एन ऑक्यूपायर ऑफ लैंड, एक जमीन का मालिक, और एनी पर्सन विद हिज अथॉरिटी, या एक पर्सन जिसको उस जमीन के मालिक ने अथॉरिटी दी है, मे यूज रीजनेबल फोर्स टू प्रिवेंट ट्रेस पासर एंटरिंग, कि भाई तुम इस जमीन में एंटर नहीं कर सकते, और कर गए हो तो उसको इजेक्ट मतलब बाहर निकालना, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, बट द फोर्स शुड बी रीजनेबल फॉर द पर्पज। जैसे मान लो मैं एक गुंडा हूं और मैंने 15-20 और मेरे नीचे बंदे पाले हुए हैं, मेरे शागिर्द हैं, मेरे चेले हैं, वो सबने बॉडी बॉडी बना रखी है, हमारा काम क्या है, हम लोग जाके लोगों की जमीनें हड़प लेते हैं। तो आपका भी एक 100 गज का प्लाट था, हमने उस पर कब्जा कर लिया, आप लोग आए जी बाहर निकल जाओ यहां से, हमने बोला नहीं निकलेंगे, आपने क्या किया, बंदूकें निकाली, तलवार निकाली, लाठी डंडे निकाले, और मैं और मेरे 15 बंदे सबको वहीं पे ढेर कर दिया, सबको मार दिया और लाश को उठा के बाहर फेंक दिया। तो ये प्रिवेंशन ऑफ ट्रेस पास नहीं है, ये नहीं है कि हमने तो उनको बाहर निकालना था। अगर इतनी बात हो रही है तो कोर्ट में जाओ, पुलिस के पास जाओ भाई, उनसे बात करो, आराम से मानेंगे तो ठीक है, छोटी मोटी थोड़ी बहुत फोर्स का यूज करना पड़े कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है तलवार निकाली बंदों को टुकड़े कर दिए, 15 बंदे बैठे थे, 2 के तुमने टुकड़े कर दिए, 15 के 20 बना दिए, है ना, टुकड़े कर करके, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये कह रहे हैं कि जब कोई लैंड का ऑक्यूपायर या एक पर्सन जिसको उसने पावर दी है वो रीजनेबल फोर्स का यूज करके किसी ट्रेस पासर को एंटर करने से, जमीन पे एंटर करने से रोक सकता है, या वो जमीन पे एंटर कर गया तो उसको बाहर निकाल सकता है। लेकिन याद रखना फोर्स कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल फोर्स होनी चाहिए। अगर प्यार से मानेगा, रीजनेबल फोर्स से मानेगा ठीक है, वरना पुलिस के पास जाओ, कोर्ट में जाओ, खुद से दंगे नहीं करने हैं। अगर खुद से तुमने ऐसा किया तो तुम्हें जेल हो जाएगी कल को, फिर समझ लेना बात को। री एंट्री ऑन लैंड, ए पर्सन रॉन्गफुली, जिस पर्सन को गलत तरीके से डिस्पोजेस्ट कर दिया, पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज पे कब्जा होना, डिस्पोजेशन कब्जा हट गया,
तो अगर मान लो कोई जमीन है, मान लो कोई जमीन है और आपको रोंगफुली उससे डिस्पोजेस्ट कर दिया गया, आपको हटा दिया, जमीन आपकी थी और किसी ने आपको वहां से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, मैं रीटेक दोबारा से पोजेशन ले सकता है, कब्जा ले सकता है जमीन का, लेकिन कब ले सकता है, इफ ही कैन डू सो इन ए पीसफुल एंड रीजनेबल मैनर। अगर आपको आपके जमीन से निकाल दिया गया है तो अगर आप पीसफुल और रीजनेबल तरीके से अगर री एंटर कर सकते हो, दोबारा से उस जमीन पे जा सकते हो, तो चले जाओ, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, फोर्स शुड बी रीजनेबल। ठीक है सर, ये दोनों तो हमें सेम से लग रहे हैं। अब ट्रेस पास के अंदर क्या हो सकता है, किसी ने आपके जमीन पे कब्जा कर लिया हो, किसी ने आपके गुड्स पे कब्जा कर लिया हो, कोई आपकी गाड़ी उठा के ले गया हो, कुछ भी हो सकता है ट्रेस पास में। ट्रेस पास का मतलब कब्जा करना, दूसरों की संपत्ति को अपने अधिकार में ले लेना, जरूरी नहीं है लैंड होगी। और यहां री एंट्री ऑन लैंड का मतलब स्पेसिफिक लैंड की बात हो रही है कि अगर आपको आपके लैंड से बाहर निकाल दिया गया तो आप इसका यूज है वो कर सकते हैं, रीजनेबल फोर्स से आप अपने जमीन पे वापस जा सकते हैं। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट इज रिकैप्शन ऑफ गुड्स। रिकैप्शन ऑफ गुड्स, रिकैप्शन का मतलब दोबारा से प्राप्त करना, किसको, गुड्स को। इट इज नीदर ए क्राइम, ना तो ये क्राइम है ना ही ये टोर्ट है, फॉर ए पर्सन एंटाइटल्ड, एंटाइटल का मतलब होता है किसी को अधिकार होना, टू पोजेशन ऑफ ए चैटल। चैटल मतलब गुड्स, चैटल का मतलब गुड्स, दोनों का मतलब सेम है। यानी एक पर्सन को अधिकार था किसी गुड्स का पोजेशन लेने का, टू टेक इट ईदर पीसफुली और बाय यूज ऑफ सम रीजनेबल फोर्स फ्रॉम वन हु हैज रॉन्गली टेकन इट और रॉन्गफुली डिटेन्ड इट। जैसे मान लो मैंने आपका मोबाइल आपसे छीन लिया, तो आपको क्या अधिकार है कि आप अपना मोबाइल वापस ले सकते हो? तो आप अगर रीजनेबल फोर्स का यूज करके ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो ले लो, कोई परेशानी नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, रिकैप्शन ऑफ गुड्स। यानी आपकी गुड्स अगर किसी पर्सन के पास हैं रॉन्गफुली तरीके से, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, चीज आपकी थी, तो आप रीजनेबल फोर्स का यूज करके उस चीज को वापिस ले सकते हो। लेकिन सभी केसेस में ध्यान रखना है, जहां भी सेल्फ हेल्प की बात आ रही है वहां पर आपको रीजनेबल फोर्स का ही यूज करना है, इससे ज्यादा किया तो तुम ही फंस जाओगे। अबेटमेंट, अबेटमेंट का मतलब होता है कम करना, अबेटमेंट का मतलब होता है कम करना। ठीक है, न्यूसेंस मतलब बाधा, रुकावट। एग्जाम्पल ये देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के दिखा देता हूं। मान लो ये है आपका घर और ये आपके घर का दरवाजा है, ठीक है, इधर पड़ोसी का घर है और ये पड़ोसी के घर का दरवाजा है, ठीक है, या पड़ोसी के घर का दरवाजा मान लो इधर है, ये ए वाला घर आपका है, बी वाला पड़ोसी का है, ठीक है। इस पड़ोसी ने यहां पे एक पेड़ लगा रखा है और ये पेड़ की टहनियां फैल फैल के, फैल फैल के आपका पूरा दरवाजा रोक लिया, इसने आपके घर का रास्ता रुक गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, सामने वाले पर्सन को नोटिस दो, भाई साहब ये आपका जो पेड़ है इसकी टहनियां मेरे घर के सामने आ गई हैं, हमारा रास्ता रुक गया है, इसको ठीक कर लो। वो मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो खुद से कटर लेके वो पेड़ की टहनियां आप काट सकते हो। इसको बोलते हैं अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, यानी जो चीज आपको बाधा उत्पन्न कर रही थी, आपको परेशानी कर रही थी, उसको आप कम कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लो, द ऑक्यूपायर ऑफ लैंड मे लॉफुली अबेट, अबेट मतलब कम करना, एनी न्यूसेंस यानी कि बाधा, इंजुरियसली अफेक्टिंग इट यानी आपको नुकसान पहुंचा रही थी, दज ही मे कट ओवर हैंगिंग ब्रांचेज एज स्प्रेडिंग रूट फ्रॉम इज नेबर्स ट्री, यानी पड़ोसी के पेड़ की टहनियां आपके घर में आ गई, आपके दरवाजे पे आ गई, तो आप उनको खुद से कट कर सकते हो। लेकिन क्या करना है, अपॉन गिविंग नोटिस, पहले तो उसको नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूं, या तो तुम देख लो। दूसरा, बाय चूजिंग द लीस्ट मिसीव मेथड, मान लो तुम हो भीम या तुम शक्तिमान हो, तुमने टहनी को पकड़ा, खींच लिया, भाई साहब उनका पेड़ भी उखाड़ दिया, उनका सारा आंगन उखाड़ दिया, सब नुकसान कर दिया आपने, ऐसा नहीं करना। लीस्ट मिसीव का मतलब होता है कम से कम नुकसान होने वाला मेथड आपने यूज करना है, ठीक है, एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी डैमेज।
डैमेज, अननेसेसरी लॉस नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें गुस्सा आ गया, भाई साहब तुम वो हनुमान जी के भगत, तुमने पेड़ पकड़ा उखाड़ दिया, भाई साहब उसके घर की दीवारें भी तोड़ दी तुमने सारी, ऐसा नहीं करना है आपने। सिर्फ पहली बात तो उसको नोटिस दो, दूसरा ऐसा करना है कि नुकसान कम से कम हो, अननेसेसरी डैमेज को अवॉइड करना है, समझ पा रहे हो। तो अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस का मतलब क्या है कि जो ऑक्यूपायर है लैंड का, अगर उसको कोई परेशानी हो रही है तो लॉफुली वो उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, पड़ोसी के पेड़ की जड़ें, ये ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो ये आपका घर है, ये पड़ोसी का यहां पे एक प्लाट पड़ा है खाली, इसने उसने बेल लगा रखी है, बेल चढ़ चढ़ के, ये तुम्हारी खिड़की है, ये कमरा है, ये पंखा, भाई साहब पंखे पे चढ़ गई, पूरे कमरे में बेल फैल गई, तुम क्या कर सकते हो, उसको कट कर सकते हो, तुम्हें परेशानी कर रही थी, बात समझ में आ रही है। तो ये है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, मतलब आपके संकट की, आपकी परेशानी की आप क्षतिपूर्ति कर रहे हो, उसको पूरा कर रहे हो। कैसे, जैसे मान लो, जैसे मान लो ये मेरे खेत हैं, इसमें मैंने यहाँ पे फसल लगा रखी है, ये मेरे खेत में मैंने फसल लगा रखी है, और आपकी भैंस या आपकी गायें, आपके पशु ये मेरे खेत में घुस गए, ठीक है, भैंस बना दूं एक, ये लो ये भैंस है, ठीक है, ये आपकी भैंस ये मेरे खेत में घुस गई, तो मेरे पास क्या राइट है कि इस भैंस को मैं पकड़ के रख लूंगा, इसके गले में रस्सी बांधूंगा, यहां इसको बांध के छोड़ दूंगा, और तब तक इसको नहीं दूंगा जब तक मेरे हुए नुकसान को तुम पूरा नहीं कर दोगे, क्योंकि नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ ना, तुम्हारी भैंस है भाई, बात समझ में आ रही है। तो अगर आपकी कोई चीज मेरी लैंड पे एंटर कर जाती है जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो, ये तो मैंने खाली क्या एग्जाम्पल दिया, भैंस का, कुछ और भी चीज हो सकती है, ठीक है, तो मैं उसको मेरे कब्जे में रखूंगा कब तक, जब तक आप मेरा नुकसान पूरा नहीं कर देते। तो देखो बच्चों, एन ऑक्यूपायर मे लोफुली सीज, सीज का मतलब क्या होता है, कब्जे में ले लेना, ऐसा सुना ना, सीज कर दी बिल्डिंग, सीज कर दी, सीज एनी कैटल, कैटल मतलब पशु, एनी चैटल मतलब गुड्स, चैटल का मतलब होता है गुड्स, कैटल का मतलब होता है पशु, ठीक है, विच आर अनलॉफुली ऑन हिज लैंड डूइंग डैमेज, जो अनलॉफुल तरीके से आपके जमीन पे आ गई और वहां पे नुकसान कर रही है, एंड डिटेन देम, डिटेन मतलब अपने पास बांध के रख लिया, अपने कब्जे में ले लिया, अंटिल कब तक, कंपनसेशन इज पेड फॉर द डैमेज, जब तक मेरे हुए नुकसान का पैसा तुम नहीं दे दोगे, बात समझ में आ रही है। यानी मैं लैंड का ऑक्यूपायर हूं और आपका कोई पशु या और कोई गुड्स मेरी जमीन में आ गई अनलॉफुल तरीके से, जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो गया, तो जब तक मेरा नुकसान नहीं भर दोगे तब तक वो चीजें मैं डिटेन कर लूंगा, मेरे पास रख लूंगा और वापस नहीं दूंगा जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। द राइट इज नोन एज दैट ऑफ डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, मतलब इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो मेरा नुकसान हो गया मैं उसकी क्षतिपूर्ति कर रहा हूं, उसका कंपनसेशन मैं ले रहा हूं, ठीक है, टू डिस्ट्रेन थिंग्स विच आर डूइंग डैमेज, तो जो चीजें मुझे नुकसान पहुंचा रही थी उसको मैंने मेरे कब्जे में ले लिया, और कब छोड़ूंगा, जब तुम मेरा नुकसान भर दोगे तब छोड़ूंगा। तो यह है डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। तो बेटा मैंने आपको क्या क्या सिखाया फिर से बता दूं, रेमेडीज दो टाइप की बताई थी, एक जुडिशियल रेमेडीज, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी कौन सी है, जो कोर्ट में जाके मिलेगी, एक्स्ट्रा जुडिशियल जो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, खुद से ही काम कर सकते हो, खुद से हेल्प कर सकते हो खुद की। कोर्ट में जाने पे तीन टाइप की बताई मैंने आपको रेमेडी, एक डैमेजेस जो कंपनसेशन की फॉर्म में मिलेगी, एक इंजंक्शन जो कोर्ट किसी काम पे रोक लगा देता है, एक स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी जहां कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा ये चीजें वापस दे दी जाएं, ठीक है। जैसे अभी हमने सारी चीजें पढ़ी ना, कि अगर किसी ने आपका मोबाइल छीन लिया तो रीजनेबल फोर्स का यूज करके आप वापस ले सकते हो, रीजनेबल फोर्स से नहीं मिलता तो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट क्या बोलता वापस कर दो, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, ये कौन सी होती है जी, जो सेल्फ हेल्प है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। पहला बताया सेल्फ डिफेंस, कोई पर्सन
खुद का बचाव कर सकता है लेकिन सिर्फ रीजनेबल फोर्स को यूज करके। फिर प्रिवेंशन ऑफ ट्रेस पास, ट्रेस पास का मतलब क्या होता था, किसी ने आपकी चीजों पे कब्जा कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, तो रीजनेबल फोर्स को यूज करके वहां से उसको हटा सकते हो। री एंट्री ऑन लैंड, अगर आपको आपकी जमीन से बाहर निकाल दिया जाए रॉन्गफुल तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे री एंटर कर सकते हैं, लेकिन रीजनेबल फोर्स का यूज करना है, सिर्फ ध्यान रखना। ऐसे ही रिकेप्शन ऑफ गुड्स, अगर किसी पर्सन ने आपके गुड्स को ले लिया है आपसे अनलॉफुल तरीके से, तो रीजनेबल फोर्स का यूज करके वो चीजें आप दोबारा से उससे वापिस ले सकते हैं। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, अगर कोई चीज आपको परेशानी पहुंचा रही है आप उसे कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जो बेल आपके घर में घुस गई थी उसको आपने कट कर दिया। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। इसमें मैंने क्या बताया कि अगर कोई चीज अनलॉफुल तरीके से, कोई कैटल और चैटल आपकी लैंड पे एंटर कर गया जिससे आपको नुकसान हो गया, तो आप उसको डिटेन कर सकते हैं, अपने कब्जे में ले सकते हैं। कब तक ले सकते हैं, जब तक आपको आपका कंपनसेशन नहीं मिल जाता है। तो बेटा ये थी रेमेडीज, और बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।